अब ये बातें समझ में आएंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत से डिफरेंट टर्म्स थे, तो ज़रूरी था कि हम इसको पहले समझें। तो मेंडल टुक जीन एज फैक्टर, फैक्टर जहाँ भी आएगा इट मीन्स जीन की बात हो रही है। नाउ ही टोल्ड दैट बोथ पेरेंट डोनेट वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट, दोनों पेरेंट एक जीन डोनेट करते हैं ट्रेट का। पेरेंट के पास भी तो दो ट्रेट्स हैं ना जो कि उनके पेरेंट्स से आए हैं, लेकिन क्योंकि मियोसिस हो रही है, क्रोमोसोम हाफ हो रहा है, एक साल में एक पेयर जा रहा है, एक साल में एक पेयर, तो दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं एक फैक्टर, एक जीन। इफ़ बोथ द पेरेंट डोनेट सेम फैक्टर ऑफ द ट्रेट, दोनों सेम ट्रेट अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस होगा। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट टॉल प्लांट का है और दूसरा पेरेंट के पास भी जो ट्रेट है वो भी टॉल का है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास दोनों टॉल के फैक्टर्स हैं, टॉल की जीन्स हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है? प्योर होमोजाइगस। एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई है। नाउ सेम एज द प्योर शॉट भी, कि अगर एक पेरेंट प्लांट है शॉर्ट प्लांट, दूसरा पेरेंट प्लांट भी शॉर्ट प्लांट है, रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी कैसी है? शॉर्ट। और ये होमोजाइगस है क्योंकि जो दोनों पेरेंट के पास से ट्रेट आया है वो सिमिलर ट्रेट है। इसके अलावा अगर दोनों पेरेंट डिफरेंट फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करें तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? हीटरोजाइगस। इसी को हम हाइब्रिड कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टॉल का जीन और एक पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है शॉर्ट का जीन, तो जो रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग है उसके पास एक टॉल की जीन है और एक शॉर्ट की जीन है, ये क्या है? हीटरोजाइगस। अब इसके एक्सपेरिमेंट क्या है? इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही टुक प्योर टॉल स्टेम एंड शॉर्ट स्टेम वैरायटी एंड क्रॉस देम। इसने पहले क्या किया? सारे टॉल स्टेम लिए, प्योर टॉल इसका मतलब दोनों जीन्स टॉल की हैं, और प्योर शॉर्ट स्टेम लिए दोनों जीन्स शॉर्ट की हैं, और इनको क्रॉस करवाया मतलब इनको फर्टिलाइज करवाया। ऑल द सीड वर कलेक्टेड एंड अलाउड ग्रो। अब जो उनसे जो सीड्स आई हैं, क्योंकि ये स्टडी किस पे हो रही है? गार्डन पी प्लांट पे, तो उससे जो फिर सीड्स आई हैं उसने क्या किया? उसको ग्रो करवाया ताकि हम देख सकें कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं। सो ही फाउंड इट ऑल द प्लांट वर टॉल स्टेम। क्यों ऐसा हो रहा है? एक प्लांट था प्योर टॉल, एक प्लांट था प्योर शॉर्ट, एक जीन कॉन्ट्रीब्यूट होगी, इसने टी कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसने स्मॉल टी कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तमाम प्लांट कैसे होंगे? टॉल स्टेम के साथ, लेकिन इनके पास जो जीन है वो शॉर्ट की भी है, टॉल की भी है, क्योंकि टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए तमाम प्लांट टॉल स्टेम वाले होंगे। ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट विद डिफरेंट ट्रेट हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, फाउंड सेम रिजल्ट। कि अगर हम अभी तो हाइट की बात हुई ना, अगर हम पेटल कलर की बात कर लें, सीड शेप की बात कर लें, सीड कलर की बात कर लें, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ही फाउंड द सेम रिजल्ट, देन ही प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उसने एक लॉ दिया इन तमाम जो उसके पास रिजल्ट्स आए उसके बेस पर एक लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज ब्रॉट टुगेदर इन अ क्रॉस, जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस करेंगे तो एक फैक्टर एक जीन एक्सप्रेस होगा ऑफ स्प्रिंग में, जबकि जो दूसरा जीन है वो मास्क हो जाएगा। इट मींस एक जीन यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएगा और एक जीन रेसेसिव हो जाएगा। इट मींस दैट इन हीटरोजाइगस कंडीशन, जब भी कंडीशन हीटरोजाइगस होगी ये वाली कंडीशन होगी, वन फैक्टर इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर। तो ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंट, कि जब भी हीटरोजाइगस कंडीशन होगी एक जीन एक्सप्रेस होगा, वो जीन कौन सा होगा? डोमिनेंट, जबकि जो दूसरा जीन है वो मास्क हो जाएगा और रेसेसिव होगा। तो इसे समझते हैं, जब भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक ट्रेट के, एक ट्रेट है हाइट, उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे कि टॉल और शॉर्ट, इनको हम क्रॉस करवाएंगे, एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, एक कैरेक्टर रेसेसिव कंडीशन में होगा। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जो हमने तमाम डेफिनेशंस पढ़ी थी उनको देखते हैं। पेरेंटल जनरेशन है, ये वो जनरेशन है जो फर्स्ट जनरेशन है और फर्स्ट टाइम क्रॉस हो रहा है इससे, टॉल और शॉर्ट, P1 जनरेशन। जीनोटाइप क्या होगा? टॉल, ये प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट है, होमोजाइगस है, तो इनका जीनोटाइप क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी क्यों है? क्योंकि शॉर्ट प्लांट है। कैपिटल टी क्यों है? क्योंकि टॉल प्लांट है और टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, शॉर्ट एक रेसेसिव कैरेक्टर है। इसके अलावा ये होमोजाइगस है, दोनों जीन्स कैपिटल टी की होगी, ये भी होमोजाइगस है, दोनों जीन्स शॉर्ट की होगी। अब ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक जीन जो हमने देखा, क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, हाफ एक सेल में जाता है, हाफ पेयर दूसरे सेल में जाता है। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
एक जीन कंट्रीब्यूट होगा दोनों पेरेंट से, दिख रहा है गैमीट। एफ वन जनरेशन कब बनती है, जब पी वन जनरेशन क्रॉस होती है, पी वन में क्रॉसिंग हुई, क्या मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका फिनोटाइप क्या होगा, इट मीन्स इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, अपीयरेंस वाइज इसमें कौन सा कैरेक्टर दिखेगा, तो ये टॉल प्लांट होगा, सारे टॉल प्लांट मिलेंगे। फिनोटाइप क्या है, ऑल टॉल। अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, इट मीन्स कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, तो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, ये फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन है, एफ वन जनरेशन। सो नाउ हम देखते हैं कि जो क्रॉसिंग है वो कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास एक पैरेंटल जनरेशन है, पी वन जनरेशन, एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है। जीनोटाइप क्या होगा, टॉल प्लांट का प्योर टॉल है और प्योर शॉर्ट है, तो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। शॉर्ट प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब गैमीट बनते हैं तो ये जीन सेपरेट हो जाते हैं, गैमीट बनेंगे तो कैपिटल टी सेपरेट हो जाएगा, इधर कैपिटल टी सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर भी इसी तरह स्मॉल टी सेपरेट होगा, स्मॉल टी सेपरेट होगा, ये हो गई ये गैमीट फॉर्मेशन। अब हमने क्रॉसिंग करनी है, तो इस तरह हमने कैपिटल टी यहाँ पर लिख दिया है, एक गैमीट, दूसरा गैमीट, इसी तरह शॉर्ट प्लांट का भी गैमीट हमने एक साइड लिख दिया है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जनरेशन हो गई एफ वन जनरेशन, फ्लैल वन जनरेशन, जिसमें हमें सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं, टॉल, लेकिन हीटरोजाइगस है। फीनोटाइप क्या होगा, ऑल टॉल, और जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गई एफ वन जनरेशन। तो जब भी हीटरोजाइगस कंडीशन होगी, जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वही जाहिर होगा प्लांट में। सेकेंड लॉ है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। नाउ मेंडल व्हेन क्रॉस प्योर टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में देखा, एंड गॉट ऑल टॉल प्लांट इन एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन में हमें तमाम टॉल प्लांट मिले थे, बट अनलाइक द पी वन टॉल प्लांट, दीज प्लांट ऑफ एफ वन जनरेशन वर हीटरोजाइगस। पैरेंटल जनरेशन कैसी थी, होमोजाइगस, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट थे, जबकि जो हमें एफ वन जनरेशन मिली है वो प्योर नहीं है, वहाँ पर एक टॉल का जीन भी था और एक शॉर्ट का जीन भी था, इसलिए वो क्या था, हीटरोजाइगस। पैरेंटल जनरेशन कैसी थी, होमोजाइगस। सो मेंडल डिड नॉट स्टॉप हिज एक्सपेरिमेंट हियर, ही प्लांटेड ऑल द सीड्स ऑफ एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन के हमें प्लांट मिले, अब उनकी सीड को मेंडल ने दोबारा से जर्मिनेट करवाया, देखने के लिए कि एफ टू जनरेशन में कैसे ट्रेट मिल रहे हैं। सो ही प्लांटेड ऑल द सीड्स ऑफ एफ वन जनरेशन एंड अलाउड देम टू सेल्फ पॉलिनेट। अब अगर हम नेक्स्ट लॉ की बात करें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसने क्या किया, जो एफ वन के ऑर्गेनिजम्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। नाउ ही ऑब्जर्व दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन एफ टू पैरेंटल टाइप के दोनों कैरेक्टर शो हुए। पैरेंटल कैरेक्टर थे हमारे पास एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, और एफ वन जो जनरेशन बनी थी, फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन, उसमें हमारे पास सिर्फ एक पैरेंटल कैरेक्टर शो हुआ था, टॉल, तमाम प्लांट एफ वन में टॉल थे। पर जब उसने एफ वन को सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाया, तो जो हमें कैरेक्टर मिले नेक्स्ट जनरेशन में, वो दोनों पैरेंटल कैरेक्टर मिले, टॉल प्लांट भी मिले और शॉर्ट प्लांट में मिले, किस रेशियो में, 3:1, 3 टॉल प्लांट मिले और एक शॉर्ट प्लांट मिला। तो इन तमाम जो रिजल्ट से उसने कंक्लूड किया कि जब एफ वन जनरेशन उनके गैमीट बन रहे थे, तो जो जीन्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो सेपरेट हो गए और सेग्रीगेट हो गए। इस तरह से जब गैमीट बने तो उनमें सिर्फ एक ही अलील था, तो कैपिटल टी जिस जीनोटाइप में भी आएगा वो प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अगर हमें शॉर्ट प्लांट मिल रहा है, इट मीन्स उनके जो गैमीट बन रहे हैं वो सेपरेट बन रहे हैं, और इस तरह के उसमें जो फैक्टर है वो एक सिंगल फैक्टर है, तभी हमें एक शॉर्ट प्लांट मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट एक रेसेसिव कैरेक्टर है, और ये उसी वक्त शो होगा जब दोनों जीन्स रेसेसिव की हों। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो होमोसाइगस में भी शो होगा और हीटरोसाइगस में भी शो होगा, ये भी टॉल प्लांट मिलेगा, ये भी टॉल, लेकिन जो रेसेसिव कैरेक्टर है ना, वो सिर्फ होमोसाइगस कंडीशन में ही शो होगा। तो इन तमाम रिजल्ट उसने ये बताया कि जो गैमीट बनते हैं उसमें जो अलील हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जीन सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से कि एक गैमीट के पास एक ही अलील आता है। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के बेस पर उसने एक लॉ दिया, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ क्या बताता है कि इन एन ऑर्गेनिज्म द फैक्टर जीन एक्जिस्ट इन पेयर, के किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन है, जो फैक्टर है, वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ये जीन है पेयर की फॉर्म में, लेकिन जब गैमीट बनते हैं तो ये जो जीन्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं
क्लीनली फ्रॉम ईच अदर, सो ईच गैमेट हैज़ ओनली वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट. एक और क्या के पास जीन है पेयर की फॉर्म में, जब गैमेट बनेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे, एक गैमेट बन गए. इस तरह से कि हर गैमेट के पास एक फैक्टर आएगा उस ट्रेट का. ट्रेट के यहाँ पे हाइट एक फैक्टर आया है, इसके पास भी एक जीन आई है जो कि डोमिनेंट जीन है, जबकि यहाँ पर एक रिसेसिव जीन है. तो अब फ्लावर जनरेशन F1 जनरेशन में हमें जो भी और ऑर्गेनिज्म मिले थे उनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. हमने क्या किया, F1 के जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया. ये भी एक ऑर्गेनिज्म है F1 का, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है F1 का. हमने दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, गैमेट बनेंगे एज इट इज़, जैसे कि हमने पहले किया था, सेपरेट हो जाएंगे जीन्स. कैपिटल टी सेपरेट हो गया, स्मॉल टी भी सेपरेट हो गया. अब जब हम इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, हमने इसी तरह से गैमेट लिखे यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस ऑर्गेनिज्म का इधर, इस ऑर्गेनिज्म का इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी. अब हम क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है. तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, इस तरह से लिख सकते हैं. देन अगेन स्मॉल टी. तो हमें अब फीनोटाइप क्या मिला, हमें तीन प्लांट टॉल मिले हैं, ये होमोजाइगस है पर ये दोनों हीट्रोसाइगस है, और एक शॉर्ट प्लांट मिला है. तो फिनोटाइप क्या बनेगा इसका, 3:1 का रेशियो, तीन टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट है. जीनोटाइप का रेशियो क्या बनेगा, 1:2, 2:1, एक कैपिटल टी कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी. तो इस तरह F1 जनरेशन में जो पैरेंटल कैरेक्टर था शॉर्ट का, वो हमें नहीं मिला था, लेकिन F2 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में हमें पैरेंटल कैरेक्टर भी मिला है. अभी तक हमने जितने भी क्रॉस किए हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं. अब हम देखेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर के साथ. ना अभी तक मेंडल ने जो भी लॉस दिए थे उसने उसमें सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी किया था जो कि हाइट था, लेकिन अब जो मेंडल की थर्ड लॉ है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें इसने दो डिफरेंट ट्रेट को स्टडी किया है और उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया. तो मेंडल स्टडी कर रहे पी प्लांट पे कौन से कैरेक्टर्स ने लिए हैं एक सीड कलर और एक सीड शेप. सीड कलर में इसने लिया है येलो और ग्रीन सीड कलर, और सीड शेप में इसने लिया है राउंड और रिंकल सीड. सो ही क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल पी प्लांट डिफरिंग इन टू डिफरेंट ट्रेट कॉल्ड हाइब्रिड क्रॉस, और जो रेशियो मिलेगा इन F2 जनरेशन कॉल्ड हाइब्रिड रेशियो. नाउ व्हेन मेंडल क्रॉस येलो कॉटिलेडन एंड राउंड सीड, अब देखो येलो के साथ जो कैरेक्टर है वो राउंड का कैरेक्टर है, ग्रीन के साथ रिंकल का कैरेक्टर है. यहाँ पर जो ये राउंड और येलो कलर है ना, ये डोमिनेंट है, येलो और राउंड ये डोमिनेंट है, और रिंकल और ग्रीन ये रेसेसिव है. ये क्या है, रिंकल ग्रीन ये रेसेसिव है, ये राउंड येलो ये डोमिनेंट है. जब ये क्रॉस करेंगे तो रिजल्टेंट जो हमें F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर. हम पहले देख चुके हैं F1 जनरेशन में हमें कौन सा कैरेक्टर मिलता है, वो कैरेक्टर जो डोमिनेंट हो, येलो राउंड ग्रीन रिंकल. F1 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर मिलेंगे, तो यहाँ पर होमोसाइगस नहीं बल्कि हीट्रोसाइगस कंडीशन होगी, और जो कैरेक्टर हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा. तमाम प्लांट हमें डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिलेंगे, इट मींस येलो राउंड मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि येलो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और राउंड भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो इन प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि ये F1 जनरेशन है और F1 हीट्रोसाइगस होती है और डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें शो होता है. सो यहाँ पर जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी यहाँ पर प्रूफ हो रहा है अगेन, कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो हो रहा है F1 जनरेशन में. नाउ मेंडल सेल्फ फर्टिलाइज, उसने क्या किया, जो F1 जनरेशन के प्लांट है उसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, एक्सपेक्टिंग आदर ऑफ द टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी. अब यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इफ़ द जीन फॉर राउंड सीड एंड येलो कलर, किसकी बात हो रही है, राउंड सीड और येलो कलर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इट मीन्स कि अगर ये जो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हों और ये सेपरेट ना हो रहे हों, इसी तरह से जो दो डिफरेंट कैरेक्टर थे रेसेसिव वाले रिंकल ग्रीन, ये भी अगर इनसेपरेबल हों, डिपेंड कर रहे हों एक दूसरे पर, तो क्या होगा, जो F2 जनरेशन है वहाँ पर हमें 3:4 सीड मिलेंगी राउंड और येलो, और रिंकल सीड मिलेगी 1:4. अगर फोर ऑर्गेनिज्म बने हैं तो इसमें से तीन ऑर्गेनिज्म ये वाले होंगे और एक ऑर्गेनिज्म ये वाला होगा, जिस तरह से हमें सेकेंड लॉ में F2 जनरेशन मिली थी.
रेशियो क्या था वहाँ पे 3:1 का। तो अगर ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो और जब गैमीट बन रहे हो तो ये सेपरेट ना हो रहे हो, तो हमें 3:1 का ही रेशियो मिलेगा और जो प्लांट है वो 3 मिलेंगे ब्राउन येलो और 1 मिलेगा रिंकल ग्रीन। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर जीन फॉर सीड शेप एंड कॉटिलेडन कलर आर सेपरेबल, कि अगर ये दोनों कैरेक्टर दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हो और सेपरेट हो सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गैमेट इंडिपेंडेंट, और ये दो डिफरेंट गैमेट में जा सकते हो इंडिपेंडेंटली, तो F2 जनरेशन में कुछ प्लांट हमें राउंड सीड विद ग्रीन कॉटिलेडन के भी मिलेंगे और रिंकल सीड और येलो कॉटिलेडन के भी मिलेंगे। आप समझते हैं, दिस इज़ येलो राउंड सीड, दिस इज़ रिंकल ग्रीन सीड। तो इसने ये कहा कि अगर ये कैरेक्टर्स एक साथ रह रहे हो और एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो, गैमेट फॉर्मेशन में सेपरेट ना हो रहे हो, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे उसमें ये दोनों कैरेक्टर साथ शो होंगे, कि जो सीड राउंड होगी वो सीड येलो भी होनी चाहिए और जो सीड रिंकल्ड है वो ग्रीन होनी चाहिए, अगर तो ये डिपेंड कर रहे हो दूसरे पे। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हो और सेपरेट हो जाते हो, तो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट मिलेंगे उसमें येलो के साथ रिंकल का कैरेक्टर भी हो सकता है और ग्रीन के साथ राउंड का कैरेक्टर भी हो सकता है। ये कंडीशन है उस वक्त की जब ये दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हों। सो मेंडल एक्चुअली ऑब्टेन 4 डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोटाइप, इसे 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप मिले। कौन से 4 डिफरेंट टाइप? येलो राउंड भी मिला, रिंकल ग्रीन मिला। येलो राउंड और रिंकल ग्रीन तो मिला, ये 2 फिनोटाइप हो गए, लेकिन उससे येलो के साथ रिंकल का भी कैरेक्टर मिला और ग्रीन के साथ राउंड का भी कैरेक्टर मिला। तो यहाँ पर इसको 4 डिफरेंट तरह के फिनोटाइप मिले F2 जनरेशन में। तो आउट ऑफ टोटल 5, 5, 6 सीड ही ऑप्टेन 4 डिफरेंट फिनोटाइप। कौन से? राउंड येलो, ये तो पैरेंटल था, रिंकल ग्रीन ये भी पैरेंटल था, लेकिन इससे यहाँ पर राउंड के साथ ग्रीन का कैरेक्टर भी मिला और रिंकल के साथ येलो का कैरेक्टर भी मिला। ये फिनोटाइप है, 4 डिफरेंट टाइप फिनोटाइप। इसके अलावा जीनोटाइप कौन से मिले राउंड और येलो के लिए? राउंड राउंड दोनों डोमिनेंट, राउंड और राउंड दोनों डोमिनेंट, शो भी कौन सा होगा? राउंड। यहाँ पर एक राउंड का जीन है और एक रिंकल का जीन है, शो कौन सा होगा? राउंड। यहाँ पर भी एक राउंड का जीन है, एक रिंकल का जीन है, शो कौन सा होगा? राउंड। सो सारे सीड राउंड मिले। इसके अलावा येलो, दोनों जीन्स येलो के हैं, येलो ग्रीन, शो कौन सा होगा? येलो, डोमिनेंट जीन है, येलो येलो दोनों हैं, येलो सीड मिलेगा, येलो और ग्रीन कौन सा मिलेगा? येलो। ये जीनोटाइप इस तरह से डिफरेंट है, लेकिन हम इसका फिनोटाइप सबका सेम बन रहा है, राउंड और येलो। नाउ राउंड और ग्रीन सीड का जीनोटाइप, राउंड 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 शो होगा, ग्रीन ग्रीन कौन सा शो होगा? ग्रीन ही शो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डोमिनेंट जीन नहीं है सीड कलर के कैरेक्टर के लिए। अगर यहाँ पर येलो का जीन होता तो येलो सीड मिलते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेसेसिव का जीन है तो रेसेसिव कैरेक्टर फिर शो हो जाएगा। रेसेसिव जैसा मैंने पहले बताया कि सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होता है, जबकि डोमिनेंट अगर हीटरोजाइगस में भी है तो वो शो हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर राउंड भी है, रिंकल्ड भी है, हीटरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन शो डोमिनेंट वाला होगा। अब रिंकल और येलो के कौन से जीनोटाइप्स हैं? रिंकल रिंकल दोनों रिंकल के जीन हैं, रिंकल एक रेसेसिव कैरेक्टर है, शो कौन सा होगा? रिंकल सीड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट का कोई जीन नहीं है। इसके अलावा येलो येलो सीड कौन सा मिलेगा? रिंकल और येलो। इसके अलावा यहाँ पर भी इस तरह से है, अब रिंकल और ग्रीन, रिंकल भी एक रेसेसिव कैरेक्टर है, ग्रीन भी एक रेसेसिव कैरेक्टर है, दोनों जीन्स हमें होमोजाइगस कंडीशन में मिलेंगे। दोनों रेसेसिव है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों कैरेक्टर शो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट का जीन नहीं है। सो दीज नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ अबाउट 9:3:1। राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन। इट शो दैट द जीन फॉर सीड कलर एंड शेप आर इंडिपेंडेंट। ये जो दोनों कैरेक्टर्स के जीन है ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे और ये इंडिपेंडेंटली ही इनहेरिट होंगे न्यू ऑफस्प्रिंग में। ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉम्बिनेशन में वो अपने पेरेंट में थे उसी कॉम्बिनेशन में वो ऑफस्प्रिंग में भी रहें, बल्कि ये सेपरेट हो सकते हैं। सो दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज स्टेटेड दैट द जीन ऑफ असॉर्टेड ट्रेड, जो डिफरेंट ट्रेड के जीन्स हैं, असॉर्टेड मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट ट्रेड के जीन्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं आर इंडिपेंडेंट इन देयर इनहेरिटेंस, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंट हैं और
इंडिपेंडेंटली ही वो जनरेशन में पास होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉम्बिनेशन में वो पेरेंट में थे, जैसे कि राउंड और येलो हमने पेरेंटल में लिया था और रिंकल और ग्रीन लिया था पेरेंटल में, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जिस कॉम्बिनेशन पेरेंट में था उसी कॉम्बिनेशन में ये नेक्स्ट जनरेशन में भी रहे, बल्कि ये सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो हमें जिस तरह मिले, हमें राउंड के साथ ग्रीन कलर मिला, हमें येलो के साथ रिंकल शेप मिला, तो इसी बेसिस पर ही मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया। सुना, अब हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, एक सीड कलर है और एक सीड शेप है, येलो और ग्रीन, राउंड और रिंकल। यहाँ पर जो डोमिनेंट है वो येलो और राउंड है। यहाँ पर इसका जीनोटाइप मेंशन है कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। गैमेट बनेंगे, गैमेट में दोनों कैरेक्टर एक साथ आ जाएंगे, कैपिटल वाई भी है और कैपिटल आर भी है। गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेट फॉर्मेशन में दोनों कैरेक्टर साथ जाएंगे, यहाँ इसमें येलो भी है और राउंड भी है, इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन भी है और रिंकल भी है। तो अब जब इनमें क्रॉसिंग होगी तो हमें एफ एन जनरेशन मिलेगी। कैसी होती है एफ एन जनरेशन? हेटरोजाइगस होती है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर उसमें शो होता है। सारे हमें मिलेंगे येलो और राउंड, लेकिन हेटरोजाइगस में, यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग भी हुई है। अब डायहाइब्रिड में जब एफ टू जनरेशन होगी तो उसके गैमेट यहाँ पर बने हैं। गैमेट कैसे हैं? कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी है, येलो राउंड जैसा कि पेरेंट में था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी है। इट मींस जो दोनों कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि वो सेपरेट हो सकते हैं। अब जब हम इन गैमेट को क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैप स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर हमें जो कैरेक्टर मिला है वो ये वाला भी मिला है, इट मींस रिंकल के साथ ग्रीन का भी मिला है, ये भी मिला है जो कि पेरेंटल में था, येलो के साथ राउंड भी मिला है, लेकिन हमें यहाँ पर येलो के साथ रिंकल भी मिला है, ग्रीन के साथ राउंड भी मिला है। तो ये हमें शो करता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि वो सेपरेट हो सकते हैं। अगर हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें, 9:3:1 का रेशियो बनता है इसमें फिनोटाइप का, कि 9 सीड्स हमें मिलेंगी येलो राउंड की, देन येलो रिंकल, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल।